नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। खबर मऊरानीपुर झांसी से आ रहे। मऊरानीपुर प्रगढ़ में सैकड़ों किसान ने उज्जवल समस्या को लेकर जंगी प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर प्रांगण में सैकड़ों किसानों ने ज्वलंत समस्याओं को लेकर जंगी प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन पत्र उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव जी के द्वारा भेजा गया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में मऊरानीपुर तहसील प्रांगण में सैकड़ों किसानों ने अघोषित विद्युत कटौती, नहरों में पानी, यूरिया खाद की समस्या को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। विद्युत विभाग की अघोषित कटौती, तानाशाही गुंडई से परेशान किसान आज सुबह ही तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में किसान आधमके, और जहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा इस वर्ष इंद्रदेव की कृपा से हमारे खेतों का पलेवा हो गया है। नेताजी, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया है? देखिए, ये आज हमारा ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित ज्ञापन दिया है। जैसा कि बुंदेलखंड के अंदर, बुंदेलखंड के सभी जनपदों में ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती जारी है, जिससे किसान अपने रबी की फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं समस्याओं को विद्युत विभाग के खिलाफ आज प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, और मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जनपदों के ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे की जाए, नहरों में अच्छे गेज से पानी चलाया जाए और यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति की जाए, क्योंकि इंद्रदेव की कृपा से किसानों के खेतों का पलेवा हो चुका था। किसानों ने अपने संपूर्ण रकबों में रबी फसल की संपूर्ण बुआई कर ली है, फसलें तैयार हो रही हैं, अब सिंचाई का समय है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है, किसानों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, नहरों में पर्याप्त गेज में पानी और पर्याप्त यूरिया खाद की आपूर्ति की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की। जय जवान।